दरबार मका आ ही जाना, सजा है दरबार मका आ ही जाना। जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री। आज प्रथम दिन है, नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को ढेर सारी बधाई और आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और मेरे चैनल पर आप पहले बार विजिट कर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर अपने बालों को मैंने वॉश कर लिया है और बालों को थोड़ा सा झिझक कर कॉम कर लेते हैं। ये चावल है और यहाँ पे सब्जी बनी है आलू परवल सोयाबीन की, और ये दम आलू है जो कि मेरा फेवरेट है। मुझे परवल आलू की सब्जी इतनी अच्छी लगती है, जितना दम आलू अच्छा लगता है। तो बस वहाँ पे है हेयर वॉश और सब लोग खाना निकाल देंगे। उसके बाद उनका जो है, कहते हैं ना, उनका पूर्वज का खाना निकल जाता है तो फिर उसके बाद घर वाले खाते हैं। और फिर थोड़ा सा जो खाना निकला हुआ होता है वो गाय को खिला के ये सारी चीज़ें हो जाएगा तो फिर खाना खाने को मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ, तब तक मैं गई थी वहाँ पे छावड़ा के आ गई हूँ। और फिर यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि अपने बालों को थोड़ा सा बाल जो भीगा हुआ है ना कॉम कर लूँ। तो शाम को मैं बना रही हूँ बड़ा, और मैं फर्स्ट राउंड यहाँ पे डाली हूँ। देखिए कितना अच्छा सा नीचे की तरफ गोल्डन ब्राउन हो रहा है। तो बस इसको हम अच्छे से मतलब पलट देंगे ताकि दोनों साइड में ये अच्छे से पक जाए। तो चलिए इसको हम पलट देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बड़े को पलट दिया है और एक तरफ तो बिल्कुल अच्छे से सेक मतलब तल चुका है। और बस खिला खिला सा बड़ा रेडी हो जाएगा। और आप लोग भी आ जाइए जल्दी जल्दी से। देखिए बड़ा यहाँ पे रेडी हो चुका है और कितना फूला फूला सा बना हुआ है ना। तो आप लोग भी आ जाइए जल्दी जल्दी खा लीजिए और खा के जल्द बताइए कि बड़ा कैसा लगा। देखने में भी देखिए कितना अच्छा सा। तो ये नेक्स्ट का क्लिफ है जो कि मैं नहा ली हूँ और अभी मैं जल चढ़ा रही हूँ। छत पे जाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था तो मैं बीच में तुलसी जी रखी हूँ सासू जी के लिए ना, तो वहीं पे मैं जल चढ़ा दे रही हूँ। और बीच में बारिश भी हो रही है, वैसे होता था ना बारिश नहीं होती तो पानी के बहाने ही तो जाना ही पड़ जाता था। तो लेकिन मैं बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं चली जाऊँ। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद जितने भी कपड़े हम लेके आए थे, और कपड़े भी नहीं डालने गई छत पे, यहीं ऊपर कपड़े भी फैला दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सारे कपड़े डाल देंगे। हालांकि सूख जाता है, थोड़ा सा धूप कम आता है लास्ट में। अगर जैसे गर्मियों का मौसम होता है तो बहुत अच्छा सा सूख जाता है। और ज़्यादा कपड़ा भी नहीं था इसलिए मैं और भी आलस कर गई कि मैं नहीं जाऊँगी। और एक तो सबसे ज़्यादा जानते हैं मौसम घिरा हुआ है, ये लग रहा है कहीं कपड़े हम डाल के आएँ फिर बारिश होने लगेगी ना तो फिर हमें जाके लेके आना पड़ेगा, इसलिए और आलस कर गए। और फिर मेरा मन नहीं कर रहा है कि जाने का। एक गाउन है और श्रेया छत पर डाली हुई हैं लेकिन वो अंदर के साइड में डाली हुई हैं। तो बस यहाँ पे हम कपड़े डाल देंगे और उसके बाद यहीं से वापस नीचे चले जाएँगे। तो यहाँ पे बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ी, और फुली फुली पूड़ी ताज़ी ताज़ी अगर मिल जाती है खाने का ना तो फिर उसकी बात ही अलग हो जाती है। और वैसे मैं बच्चों के टिफ़िन बना बना के ना, मेरा मन पूड़ी पराठा से बिल्कुल भी एकदम से उतर गया है। और अगर कोई दूसरा किचन में बना के मुझे देता है तब मैं खा लेती हूँ, और खुद से बनाऊँ फिर जब तक खाती हूँ ना तब तक पूड़ियाँ जो है एकदम चिपक जाती हैं। बना रही हूँ श्रेया के लिए नाश्ता। और नाश्ते में क्या बना रही हूँ, मैं आ गई हूँ रूम में तो मैंने लाइट ऑन नहीं किया है। और नाश्ते में मैं अभी क्या बना रही हूँ, अभी मतलब सब्जी कट करी हूँ, बना लूँगी तो फिर मैं बताऊँगी, ठीक है। और अभी फिलहाल मतलब सुबह में ब्लॉग शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो अभी मैं बाद में मिलती हूँ उससे। अभी छुट्टी वगैरह का सारा काम ख़त्म करने के बाद, उनको भेजने के बाद मैं फिर उससे मिलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ जा रही थी ना तो फिर उसके बाद नीचे सासू जी से बोले थे कि चिप्स डाल दीजिए तो नीचे डाली थी। और डर लग रहा है मुझे कहीं बारिश ना हो जाए तो इसमें सोच रही हूँ तखत पे कर दूँ। अगर कपड़े गीले हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, घी कभी सूखे भी नहीं है।
तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से आपसे मिलने वाली हूँ, आपसे बातें करने वाली हूँ। बाय।